किसने की हो गया? हमारी दाइनी आप क्यों फड़क रही है? ये तो बहुत अशुभ हो गया ना। तो अक्षय तृतीया की ओकेजन है और बहुत ऑस्पिशियस, बहुत बड़ा दिन होता है हम सब के लिए। तो हमारे घर में एक रिवाज है कि हर साल यहाँ पूजा होती है और सब जितने भी मैरिड कपल्स हैं उनमें जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को कुछ गोल्ड की आइटम गिफ्ट करते हैं। तो मेरा तो फर्स्ट ईयर है, पहली बार अक्षय तृतीया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं फालतू को कुछ गोल्ड का गिफ्ट कर सकूँ। तो वो एक बहुत सैड सा मोमेंट है अयान के लिए, बट फिर भी वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है और रिस्पॉन्सिबल पति है, तो वो अरेंज करता है कुछ ना कुछ। और पूजा के लिए कमल के फूल चाहिए जो फालतू हो रहे हैं, दोनों ढूंढ रहे हैं, दोनों को मिल नहीं रहे, ऐसा लग रहा है कि मुंबई में एक भी नहीं है। बट फालतू जो बींग फालतू वो ले आती है अपनी जान पे खेल के, और फिर आगे बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं, आप देखना। मैं फालतू के लिए लाया हूँ एक सरप्राइज़ गिफ्ट, क्योंकि गोल्ड देते हैं तो मंगलसूत्र लाया हूँ मैं, बट फालतू मिली नहीं मुझे घर पे, हमारे घर पे जो हमारी कॉटेज है, तो वो बिजी है बाहर, देखते हैं क्या होता है, वापस आती है, हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, लेट्स सी। हाँ, घर वाले छोड़ के जा रहे हैं और हर साल हम लोग साथ में रहते थे और मैं घर का बेटा हूँ, तो किसी ने भी ये नहीं सोचा कि एक बार आके अयान से बात करें या ये बोल दें कि सॉरी नहीं लेके जा रहे। सो वेरी बिहेविंग वेरी बींग वेरी इनकंसिडरेट, और अच्छा तो नहीं लगेगा किसी भी बेटे को, तो वही है, नेचुरल है। और फालतू बींग फालतू वो बड़ी इमोशनल है, उसको बड़ा प्यार है अयान से, तो वो और सैड हो रही है, रो रही है कि मेरी वजह से आपको अकेला छोड़ गए। बट जो कुछ भी हो दोनों साथ में हैं तो खुश रहते हैं। आकाश से जानना चाहूंगी, आकाश कितना बिलीव करते हैं सुपरस्टिशन में? मैं तो बिलीव करता हूँ सुपरस्टिशन में, सब पे नहीं बट ज़्यादातर पे, क्योंकि मुझे लगता है हमारे जो एंसेस्टर्स थे, स्पेशली हमारे जो एंसेस्टर्स थे, आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ, इस कल्चर में पैदा हुआ हूँ। हमारा जो एंसेस्टर्स थे हमारे, वो हमसे कई गुना एडवांस थे, और दुनिया भी अभी रियलाइज़ कर रही है। तो जिन चीज़ों को हम सुपरस्टिशन कह के ऐसे डिस्कार्ड कर देते थे अपनी लाइफ में से, अब साइंस इज फाइंडिंग आउट कि ऑल दैट मेक सेंस। तो मैं सुपरस्टिशन इज़ नॉट द राइट वर्ड फॉर ऑल दिस, दिस इज़ अ रिचुअल। अच्छा, आँख फड़कने की बात कर रहे हो आप, हाँ ठीक है, उसका भी कोई मतलब होगा आई एम श्योर। मुझे बस एक चीज़ पता है कि आई बिलीव इन कर्मा, तो मुझे लगता है कि आप जितने लोगों की मदद करोगे उतना आपके साथ अच्छा होगा, और लोगों की मदद ये नहीं कि एक इंसान जो ऑलरेडी लाइफ में जिसके पास सब कुछ है आप उसकी हेल्प कर रहे हो, लोगों की मदद मतलब हेल्पिंग समवन हु नीड्स योर हेल्प, और आसपास जानवरों की हेल्प करो तो सब सही हो जाता है। जानना चाहूँगी किस तरीके से शुरू करें, क्योंकि क्लाइमेट की बात करें काफ़ी गर्म हो रहा है, क्या कहना कैसे? बहुत गर्म हो रहा है, दिस कंडीशंस आर ओनली गेटिंग वर्स। हम लोग जिस कॉटेज जो आप देखते हो बहुत सुंदर सा लगता है, वो बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है, उसके अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ज़ीरो वेंटिलेशन। आई होप वी फाइंड अ वे आउट,
कि हम लोग ठीक से कर पाए, नहीं तो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है, यू स्वेटिंग ऑल द टाइम, बट ठीक है। आपने आशियाना तो इतना काफी क्यूटली बनाया, आपको कितना क्यूट लगा वो आशियाना? बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है, देख के शूटिंग करने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है आप चिल करो, आप लोग घर जाओ, हमें चिल करने दो, बट बहुत सुंदर है, वेरी वेल डन बाय आर डायरेक्टर। क्या प्लान है आशियाना से फालतू को लेके अपने घर में शिफ्ट होने का? ऐसा प्लान नहीं है, अयान का प्लान है कि हम अपनी नई जगह लेंगे, वहाँ जाके रहेंगे। जैसे कि अयान ने अभी कहा था एक एपिसोड में कि मुझे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है अपनी फैमिली से, बाबा से, अब तो अयान को कोई ऐसा मन में ख्वाहिश नहीं है कि मुझे वापस बुला लें या हम उस घर में चले जाएँ, क्योंकि वहाँ पे इज्जत नहीं है। और शादी के फेरों में भी एक वचन लिया था अयान ने कि जहाँ फालतू की इज्जत नहीं होगी वहाँ अयान की इज्जत के भी मायने नहीं होंगे, और ऐसी जगह पे वो कदम नहीं रखेगा। तो ही जस्ट स्टैंडिंग बाय हिज वर्ड्स, आगे देखते हैं क्या होता है। दैट आई लव यू, और आप लोग बहुत स्वीट हो, प्लीज़ आप हमारा शो देखते रहो और फयान को ऐसे प्यार देते रहो, और हम और बेटर करेंगे। थैंक यू।